अस्सलाम फ्रेंड, ये है टोयोटा विड्स 2014 मॉडल है। इसके एसी का इशू आ रहा है, ब्लोअर भी ऑन हो रहा है और एसी वाले बटन की लाइट भी ऑन हो रही है, मतलब एसी ऑन हो रहा है, वोल्टेज पूरी जा रही है इसमें और एसी कूल नहीं कर रहा। इसमें क्या मसले मसाइल हैं और देखें वीडियो में, वीडियो देने से पहले और देखें, लाइट इसकी ऑन हो रही है, सब कुछ ठीक है। तो देखें वीडियो, वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। मैं दिखाता हूँ आपको उसमें जुगाड़ क्या हुआ है। जो जुगाड़ हुआ है उसकी वजह से इतना मसला बना है, मगर उसके पर पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगा है। फ्यूज़, वोल्टेज, एवरीथिंग, इसकी जो ये मॉड्यूल है एसी वाला, सब कुछ ठीक है इसका। ठीक है जी, मैं दिखाता हूँ कि मसला कहाँ पे। जो इसका टेम्परेचर सेंसर है ना, जो एसी की कूलिंग के बाद ट्रिप करता है कंप्रेसर को, कूलिंग पूरी होने के बाद इसके साथ जुगाड़ किया हुआ है, इसका सेंसर ख़राब हुआ है, तो साथ जो है इसके अटैच कर दिया है एक्स्ट्रा सेंसर, उस वो लगाने की वजह से बहुत सारे मसले आए हैं। इसका कंप्रेसर तक उड़ गया है, मैं दिखाता हूँ सारा आपको डिटेल पूरी। ये बहुत गलत काम हुआ है क्योंकि इसका सेंसर चेंज करने के लिए पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या हाल हुआ है इसका कंप्रेसर का। ये देखें आप, कंप्रेसर के आगे इसकी जो पुली होती है, उसके आगे जो इसका फिटिंग होती है वो है ही नहीं, साथ मौजूद ही नहीं है, ये आप देख रहे हैं। मैं इसको बाहर निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये देखें ये आगे से टूट ही गया है क्योंकि सेंसर बाहर लगाया है तो एसी ने ट्रिप किया नहीं है, लगातार चलता रहा तो ये टूट गया है। जब भी कंप्रेसर कूलिंग के बाद ट्रिप नहीं करेगा तो वो नुकसान करेगा और किसी न किसी को डैमेज करेगा, तो लिहाजा इसका जो ये आगे वाला इसका जो क्लच है जो मूव करता है, क्योंकि सेंसर वाला कंप्रेसर है इसमें क्लच नहीं होता, ये फिक्स होता है, तो फिक्स वो जो उसको घुमाता है अंदर जो इसके सिस्टम पूरे को, वो टूट गया है। अब इसके सारा एसी चेक करते हैं, ये इसका कंडेंसर है, इसका फिल्टर बिल्कुल चोक हो गया, बिल्कुल चोक हो गया है इसका फिल्टर, बिल्कुल बंद है, क्योंकि आप पूरा एसी चेक करना ज़रूरी है। ये काबिली कंप्रेसर मंगवा लिया है सेंसर वाला ही, बिल्कुल नया कंप्रेसर है, काबिली है, यूज़ में जो होते हैं, मगर अच्छी कंडीशन में है ये। ये देखिए आप, ये फिक्स है, ये पक्का फिक्स होता है, इसमें क्लच होता है, ये पक्का फिक्स होता है। ये नया फिल्टर आ गया, कंडेंसर फिल्टर, ये नया डाल देंगे और कंडेंसर फिट कर देंगे, और इसका फिटिंग करने के बाद पूरा डैशबोर्ड जो इसका है वो खोलेंगे, कूलिंग कॉइल इसकी बाहर निकालेंगे और जो इसका टेम्परेचर सेंसर है वो चेंज करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं चेंज, वीडियो को आराम सुकून से देखें और पूरा देखें ताकि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। ये
यार क्यों फंसा यार, थोड़ा बड़ी जल्दी फंसा उसको, बड़ा था क्या है उधर जाने के। माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया, एसी इस्तेमाल है, आपने देखा बाहर कि ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ट्रिप भी कर रहा है। असल इसका जो थर्मोस्टेट था, जो उसका सेंसर जो कूलिंग कॉइल में लगा होता है, वो उसके साथ जुगाड़ किया हुआ था और वो डायरेक्ट कंप्रेसर चलने की वजह से इतना बड़ा मसला आया, जिसकी वजह से सारा काम करना पड़ा और सेंसर हमने चेंज कर दिया, मसला इनका हल हो गया। कंप्रेसर चेंज कर दिया, उसका कंडेंसर फिल्टर चेंज कर दिया, मुकम्मल लीकिंग चेक करके गाड़ी मुकम्मल काम एवन हो गया इसका। असल जुगाड़ नहीं करना चाहिए, जुगाड़ करने से नुकसान होता है और बड़ा मसला बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कायम करें। अल्लाह हाफिज़।